नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं। हर हर महादेव। मेरे अनन्य साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पहला श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत लोगों ने, जब मैंने भवान्याष्टकम के वीडियो दिए थे आपको स्वाभिमान सिंह के कहने पर, अनेक लोगों ने निवेदन किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सर रुद्राष्टकम पर व्याख्या कीजिए। रुद्र अष्टक, रुद्र शिव का पर्याय है और अष्टक आठ, वो आठ श्लोक जो भगवान शंकर की प्रार्थना के लिए, तत्काल वरदान पाने के लिए, नाना प्रकार के कष्टों और व्यवधानों से मुक्ति पाने के लिए लिखे गए हैं। बहुत अजूबा आश्चर्य चमत्कार होता है इसे पढ़ने के बाद। एक हफ्ते करके देख लीजिए प्रयोग। आठ श्लोक, मैंने पहला श्लोक शुरुआत की थी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासं भजेहम। मैंने कई बार मंदिर आदि में जब मैं गया, कुछ लोग पाठ करते हैं, मैं भी हाँ जोर पाठ करने लगा, मैंने देखा हमारे तमाम जो आसपास लोग खड़े थे गलत पढ़ रहे थे। इसलिए गलत पढ़ रहे थे कि आता नहीं, आता है लेकिन उसका अर्थ से नहीं खेल रहे थे। जब तक हम उसका अर्थ नहीं जानेंगे, उसका भाव नहीं जानेंगे, हम भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं ये नहीं जानेंगे, तब तक निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आपको उसका फल भी तो नहीं मिलेगा। अरे आप क्या मांग रहे हैं सामने वाले से। साथियों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उसका कारण ये कि रुद्राष्टक क्यों लिखना पड़ा, क्या कथा है, किसको फल मिला। रामचरितमानस में अनेक वक्ता और श्रोताओं के मध्य एक वक्ता और श्रोता हैं, काकभूषुंड जी और गरुण जी। गरुण जी श्रोता हैं, काकभूषुंड जी वक्ता हैं। गरुण पक्षीराज है और काकभूषुंड एक सामान्य कौआ। काकभूषुंड जी के पास भगवान शंकर भेजते हैं गरुण जी को और गरुण जी उनके सामने बैठकर हाथ जोड़कर सारा ज्ञान सीख रहे हैं। अपनी कथा बताते हुए काकभूषुंड जी कहते हैं, मैं कौआ कैसे बन गया, मैं अपने पूर्व जन्मों की बात बता रहा हूं। एक जन्म था जब मैं मानव योनि में था और पूजा पाठ किया करता था। एक बार हरि मंदिर जपत रहूं हरि नाम, गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं कीन प्रणाम। बताते हैं, एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, मंदिर में तल्लीन होकर, और उसी मध्य मंदिर में गुरु जी का प्रवेश होता है। कहते हैं, गुरु आए हूं अभिमानते उठ नहीं कीन प्रणाम, कि मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं, गुरु जी आए हैं तो आते नहीं, अभिमान हो गया। कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई, मंदिर मांझ, ध्यान रखिएगा काकभूषुंड जी बता रहे हैं, मंदिर मांझ भई नभ बानी यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चिक सम्यक बोधा। तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं है मगर तुमने गुरु का अपमान किया है। गुरु आया हूं अभिमानते उठने की प्रणाम, स्वयं बताते हैं। कहते हैं उस समय शाप दे दिया भगवान शंकर ने, बैठ रहे से अजगर यू पापी
अरे अजगर की तरह सांप की तरह तू बैठा रहा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू भी महाविटप कोटर मह जाई और रहू अधमाधम गति शुभ पाई। जाओ तुम एक बहुत विशाल वृक्ष में के कोटर में सांप बनकर अपना जीवन व्यतीत करो, रहू अधमाधम गति अधोगति को प्राप्त हो जाओगे, मैं तुम्हें ऐसा शाप देता हूं। अपने शिष्य का ऐसा शाप सुनकर के गुरुजी कांप गए और उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आंसू बहते जा रहे थे, प्रार्थना करते जा रहे थे। ये वही प्रार्थना है रुद्राष्टक के रूप में उस ब्राह्मण ने, उस गुरु ने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी 8 श्लोकों में। और इसका परिणाम हुआ कि काकभूषुंड जी को वरदान शाप से मोक्ष मिला। किस रूप में मिला वो लंबी कथा नहीं जाऊंगा। रुष्टाकम का पहला श्लोक अर्थ सहित जानने की प्रयास करें। नमामि शमीशानु, नमामि नमस्कार है, नमामि संधि विच्छेद करिए, नमामि ईश, ईश माने भगवान, नमामि शमीशान, मीशान नहीं है वो तो मिला दिया गया, संधि कर दी गई है, नमामि शमीशान ईशान। ईशान एक दिशा होती है साथियों, सामान्य रूप से लोग जानते हैं 4 दिशाएं हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि दिशाएं 10 होती हैं। और इन 10, आप कहेंगे 10 दिशाएं मैं कहां से पता लगाऊं कैसे 10 होती हैं। चलिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे की बात कर लेते हैं, मैं जहां बैठा हूं वहां की बात कर लेते हैं। 4 कोने 4 दिशाएं जो हम जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, 4 तो ये हो गई, अब बची 6। साथियों 2 कोनों के बीच में जो दीवार है ना, 4 दीवारें हो गई कमरे में, 4 कोने हो गए और 4 दीवारें हो गई, ये 4 दीवारें भी 4 दिशाएं हैं। 4 कोने 4 दिशाएं, 4 दीवारें 4 दिशाएं और 8 हो गए, और छत वाली और जमीन जिस पर आप पैर रखते हैं ये 2 दिशाएं हो गई, 10 दिशाएं हो गई। उसमें एक दिशा होती है ईशान दिशा, ईशान कौन कहलाता है हमारे यहां, और ईशान होती है उत्तर और पूर्व के बीच की दीवार, इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है वो ईशान दिशा कहलाती है। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का निवास उसी दिशा में है। तो नमामि शमीशान, नमामि नमस्कार करता हूं, हे ईश्वर, कौन से ईश्वर, ईशान दिशा में रहने वाले भगवान शिव, नमामि शमीशान, अरे निर्वाण रूपम, निर्वाण कहते मोक्ष को, आप मोक्ष प्रदायक हैं। 84 लाख योनियों में भटकते हुए मानव को आप मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हमारी दादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शंकर जी की पूजा किया करती थी, और जब पूजा करती थी बेलपत्र चढ़ाती थी उस समय वो एक छंद पढ़ा करती थी, टूटा फूटा ही सही। उसमें जब ये मोक्ष की बात आती है तब मुझे लगा कि शंकर भगवान मोक्ष प्रदायक हैं। पता है कौन सा छंद था, अरे चढ़े बैल डोले किसी से न बोलें, कभी नैन खोलें दिए चंद्रभाला, और भस्म रमावें धतूरे चबावें, जहर को बखाने गले नाग काला, और डमरू बजावें उमापति कहावें, यही नाग आगम जगत का विशाला, हमारे तिहारे कनक के नगीने, सदा मुक्ति देता यही बैल वाला, सदा मुक्ति देता यही बैल वाला, कहकर के वो 3 बार शिव की मूर्ति के सामने अपना मस्तक टिका देती थी, सदा मुक्ति देता यही बैल वाला। आज रुद्राष्टक में भी वही बात आ गई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अरे आप मोक्ष स्वरूप हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, निर्वाण रूपम। आगे कहते अरे विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुम आप ओम के ज्ञाता हैं, ओम प्रदायक हैं, शक्तिशाली हैं, ओम विभुम शक्तिशाली, ओम के ज्ञाता, विभुम व्यापकम ब्रह्म, व्यापकम ब्रह्म अरे हर जगह व्याप्त, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह व्याप्त हैं आप। सगुण वाले तो आपको कहते हैं आप हर जगह हैं,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुलसी लिखते हैं प्रेम से प्रकट हुई भगवान, ये तो सगुण वाले हो गए, लेकिन जब निर्गुण वालों से मिलते हैं वो भी ये स्वीकार कर लेते हैं। कबीर तो साफ कह देते हैं, लाली मेरे लाल की, अरे जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वहां भी तो विद्यमान है आप, निर्गुण और सरगुण हर जगह, कणकण में भगवान, रोम रोम में भगवान, कहा उसको कहा जहां प्रभु नाही। विभुम व्यापकम ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म है आप, वेद स्वरूपम, आप वेद के रूप हैं, वेद रूप हैं, वेद माने ज्ञान के प्रतीक हैं। अरे भैया, शंकर जी के डमरू से ही हमारा पूरी व्याकरण शास्त्र निकला है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम और निजम निर्गुणम, आप गुण और दोष से रहित हैं, निजम अपने ही बनाए हुए गुणों में आच्छादित है, ढके हुए। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निर्विकल्पम आपका कोई विकल्प नहीं है। कुछ लोगों के विकल्प होते हैं, अरे भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण हैं, भगवान विष्णु के रूप में राम हैं, लेकिन कहते हैं आपका कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्पम निरीहम, निरीहम निष्पक्ष, एक बार खाली प्रार्थना करो सब कुछ समर्पित, ऐसे हैं आप। जल के चढ़ाए यमलोक से उबारो नाथ, चावल के चढ़ाए चक्रपति कर देता है। तमाम आगे बातचीत करता रहूंगा, सब कुछ तो आप करने वाले हैं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, इसलिए चिदाकाश माकाश वा संभजे, चिदाकाश पूरा आकाश रूप में, चित आकाश वासम, आप पूरे आकाश में वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, आकाश के रूप हैं। जिस प्रकार व्यापक आकाश है, चारों तरफ फैला हुआ है, आकाश का कोई आकार नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां आकाश न हो, कहीं आकाश का प्रारंभ नहीं है, कहीं आकाश का अंत नहीं है। चिदाकाश महाकाश, कोई अर्थ आकाश का रूप नहीं, आकाश की समाप्ति नहीं है, आदि मध्य ही ना आए, निर्गुणाय गुणात्मने, आप हर जगह विद्यमान हैं। चिदाकाश महाकाश वा संभजे हम, ऐसे शिव की काम भी आराधना करता हूँ, भजन करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जब आप इस श्लोक को पढ़ें अर्थ के साथ, फिर दोबारा से एक बार संक्षिप्त सार्थ बता देता हूँ। नमामि शमीशान, नमस्कार है ईशान दिशा में रहने वाले भगवान शिव को। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, आप मोक्ष के स्वरूप हैं, मोक्ष प्रदायक हैं। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म, आप शक्तिशाली हैं, व्यापक ब्रह्म हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, आप ज्ञान के स्वरूप हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम, आप अपने ही गुणों में उत्प्रोत हैं, गुण और दोष से रहित हैं। निजम निर्गुणम, बताया ना, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निर्विकल्प आपका कोई आधार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। निरीहम आप निश्चित रूप से निष्पक्ष हैं। चिदाकाश महाकाश, आकाश के समान व्यापक, आकाश के समान रूप वाले, आकाश के समान सर्वव्यापी। चिदाकाश महाकाश वा संभजे हम, ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।